सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरीय हैदरगढ़ हमारे साथ मौजूद हैं। तीन चार गाड़ियां सब भर के जा रहे हैं, बाकी सब पंचर हो गए। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। रक्षाबंधन हो या परीक्षार्थियों का पेपर, आदेश आते जाते रहेंगे, सुनेंगे सब लेकिन करेंगे अपनी मन की अधिकारी। जी हां, ये बात चारबाग और केसरबाग बस स्टैंड के जिम्मेदारों पर एकदम सटीक बैठती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हो या परिवहन निगम की गाइडलाइंस, चाहे कराना हो खटारा बसों का संचालन या करनी हो पत्रकार से अभद्रता, यहाँ के अधिकारी हैं हमें तो करनी है मनमानी। आपको बता दें कि न्यूज बॉल इंडिया द्वारा चारबाग का बस स्टैंड हो या फिर केसरबाग डिपो, ये दोनों ही जगह पर लगातार 16 अगस्त 2024 से बना हुआ है। 3 रिपोर्ट भी की जा चुकी है न्यूज बॉल इंडिया के द्वारा। लाइव प्रोग्राम में परिवहन निगम के जिम्मेदारों को उनके CUG नंबर पर फोन कॉल करके परिवहन निगम में हो रही समस्याओं को लेकर उनको अवगत भी कराना चाहा, कॉल भी किया लेकिन CUG नंबर पर भी फोन कॉल को नहीं उठाया गया। MD मासूम अली सरवर जी को भी कॉल किया गया और क्षेत्र प्रबंधक RK त्रिपाठी को भी फोन लगाया गया लेकिन फोन नहीं उठाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब लाइव प्रोग्राम में उनके CUG नंबर पर फोन किया गया, कुछ जिम्मेदारों ने फोन नहीं उठाया, बड़ा सवाल तो ये भी है कि आम जनता का फोन उठाकर क्या उनकी सुनवाई की जाती होगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के रिपोर्टर ने परीक्षार्थियों को हो रही चारबाग बस स्टेशन पर समस्याओं को लेकर जब क्षेत्रीय प्रबंधक RK त्रिपाठी से बात करनी चाहिए तो वो किस तरह से कुछ भी ना बोलने से कतराते नजर आए। इससे साफ जाहिर होता है उन्होंने किस तरीके से अपने आप को न्यूज वर्ल्ड इंडिया के रिपोर्टर तबरेज आलम के सवालों से बचाने की कोशिश की। प्रबंधक RK त्रिपाठी और क्यों नहीं था उनके पास कोई जवाब और क्यों बचते वो नजर आए, न्यूज वॉल इंडिया के सवालों से क्षेत्र प्रबंधक RK त्रिपाठी देखिए किस तरह से बड़ी लापरवाही देखने को मिली चारबाग बस स्टेशन पर। लापरवाही के चलते वहां पर एक युवक के पैर पर भी गाड़ी चढ़ा दी गई जिससे वो काफी चोटिल हो गया और ये गाड़ी यूं ही नहीं, ये गाड़ी थी परिवहन की बस। ऐसे समय में चारबाग बस स्टेशन पर किस तरह की कोई मेडिकल सुविधा ना होना बहुत बड़ी लापरवाही दिखाता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को और सुनिए परीक्षार्थियों के लिए कैसे इंतजाम किए गए लखनऊ परिवहन निगम के द्वारा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पर। यहाँ पर हम आपको लगातार वो दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम जो दूर दराज से देने वाले एग्जाम परीक्षार्थी थे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है परिवहन निगम में, क्या वो उचित प्रबंध हैं, इन तमाम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको तमाम वो चीज़ें दिखाएंगे जो आपको रूबरू कराएंगी यहाँ की हकीकत से। अगर है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर उपनगरी हैदरगढ़ के, हम जाएंगे और देखेंगे वो हाल भी जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या है। अब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मौके से हट रहे हैं, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मौके से हट रहे हैं। अब ये कह रहे होंगे कि व्हील चेयर कहाँ है, सलाह मिलाई जा रही है, सलाह देके सलाह मिलाई जा रही है। बहुत शानदार 2020 मैच होगा, कहाँ रखी है। तो हमारे साथ यहाँ पर स्टेशन इंचार्ज भी मौजूद हैं, आलमबाग के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, यहाँ पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक भी मौजूद हैं। अब हम इनसे जान ही लेते हैं कि इंक्वायरी में क्या व्हील चेयर रखा है कि नहीं रखा है, जैसा कि इन्होंने कहा इंक्वायरी पर बताया। हालांकि अब हम चलते ही हैं, हम भी पहले ही देख लें कहीं ऐसा ना हो कि कोई आए और व्हील चेयर रख के चला जाए, तो इसका खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि व्हील चेयर है या नहीं है। अब इंक्वायरी से भी संपर्क करेंगे, भाई अगर है तो कहाँ है व्हील चेयर, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा। और यहाँ पर अन्य लोग हैं, अब हम इन सभी लोगों से जान लेते हैं कि कौन मौजूद है यहाँ पर व्हील चेयर है कि नहीं। ये
पूछताछ है। यहाँ पर आप अब हम आपको दिखाते हैं कि शायद हमें मिल जाए, शायद हमें मिल जाए, अगर व्हीलचेयर है तो कहाँ है। एक एक कोना दिखाएंगे हम आपको, कोने के बाद नीचे भी दिखाएंगे हम आपको क्या व्हीलचेयर है या नहीं। तो हमें तो कहीं नज़र नहीं आई। आखिर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने झूठ क्यों बोला? हमने आपको दिखाया कि इंक्वायरी में भी व्हीलचेयर नहीं है। तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से हम फिर मिलेंगे और कहेंगे कि सर व्हीलचेयर कहाँ है। जैसे एक बुज़ुर्ग जो बाबा है उनका कहना है ये है यहाँ की सीट्स हैं और ये सीट्स हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं से ये आए हैं, ये व्हीलचेयर भी अब जा रही है और झूठा स्टेटमेंट दिया गया था सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा, यहाँ के इंक्वायरी पर जो बैठे हैं बाबू उनके द्वारा। मैंने बता भी दिया व्हीलचेयर भी आ गई। कहीं ना कहीं से बड़ा खुलासा भी हुआ इस चीज़ का कि झूठ परिवहन निगम अधिकारियों के द्वारा झूठ भी झोला जाता है। अब हम व्हीलचेयर की अब बात कर लेते हैं तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे प्लीज़ व्हीलचेयर को थोड़ा सा पीछे हटाएं। ये है अब व्हीलचेयर की हालत देख लीजिए। ये है व्हीलचेयर जहाँ पर आपातकालीन परेशान विकलांग अगर इस पर बैठेगा तो कहाँ। ये हालत है व्हीलचेयर की। क्या उपनगरी हैदरगढ़ डिपो में एक भी व्हीलचेयर सही नहीं है? क्या ये मैनेजमेंट अच्छा है? जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री तक विकलांगों के लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, या परिवहन निगम से लेकर चाहे वो कोई भी विभाग हो, हर जगह आरक्षण। परिवहन निगम में विकलांगों की अगर हम बात करें तो निःशुल्क यात्रा। तो क्या ये परेशान बीमार कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को आपातकालीन बैठना पड़ जाए, या कोई पैरों से ख़राब हो उसको यात्रा के दौरान लगातार जो सुविधा दी जाए वो ऐसी दी जाएगी जिसके हम आपको दिखाने की बात कर रहे हैं? ये सुविधाएं हैं तो देख रहे हैं आप, ये सुविधाएं हैं व्हीलचेयर की। फॉर्म अलग, पट्टी अलग, गंदी अलग, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है? इसका जवाब दीजिए। हाथ कैसे जोड़ रही हैं आप, ये तो गलत बात है। बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं अब, वो भी हाथ जोड़ते हुए भागते हुए नजर आए। अब अगर हम बात करें कहीं ना कहीं से जो आपको दिखाया था कि नई गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स तो है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन पुरानी गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स तो नहीं है। यूपीपी का एग्ज़ाम है। बड़ी लापरवाही अगर हम बात करें तो किसकी है? ये गाड़ियाँ और भी डिपो की वो भी देख लेंगे। तो हमारे साथ परिचालक यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स दिखाएंगे। अच्छी बात है और होना भी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। और भी अन्य गाड़ियाँ हैं वो भी दिखाएंगे आपको कि फर्स्ट एड बॉक्स सिर्फ चारबाग में ही नहीं, चारबाग ये हैदरगढ़ डिपो को एक। अब आप देख लीजिए फर्स्ट एड बॉक्स, अभी ये ढूंढ रहे थे, ताला बंद था। अब ये ताला कहाँ था? देखिए ये फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पर लगा होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है। और ये स्टेयरिंग ड्राइवर महोदय, अब ये बॉक्स है। भैया एक लोग आएंगे प्लीज़, हमारे साथ यात्री हैं इनसे ही। भैया इसको ज़रा ओपन कीजिएगा, इसको उठाइए ऊपर। हाँ प्लीज़, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है भाई, कहाँ है फर्स्ट एड बॉक्स? बक्से में भी तो नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ पर फतेहपुर डिपो की बस खड़ी है, भैया चालक क्या नाम है? गुड्डू। गुड्डू भाई क्या हो गया? टायर पंचर है साहब। टायर पंचर कौन सा, अंदर का बाहर का? बाहर का। तो क्या सिंगल टायर पर गाड़ी लेके? नहीं लेके जाएंगे। नहीं लेके जाएंगे ना, गुड। जिस तरीके से चालक गुड्डू भाई ने बताया कि गाड़ी जो रोडवेज है उसका सिंगल डबल टायर पीछे का है, हालांकि सिंगल टायर एक खराब यानी पंचर हो चुका है, तो सिंगल टायर पर गाड़ी तो नहीं जाएगी। तो लगातार ये ऐसी, भैया पहिया तो पंचर हो गया यहाँ का। भैया बताइए साहब, पंचर इस वजह से हो रहा है जहाँ पे 45 या 50 सवारी की जगह वहाँ पे 150 सवारी भरी हुई है। क्यों, हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग यहाँ 5 घंटे से मर रहे हैं, लेकिन एक भी कानपुर के लिए बस नहीं है, ना तो ट्रेन है, लेकिन हम लोग जाएंगे घर कैसे जाएंगे? भी नहीं है। क्या कहते हैं आप, बताइए। भैया कह रहे हैं सर यहाँ पे तो हम की आवाज़ को उठाइए, 2 घंटे से आए हुए हैं और सर ये बस थी भी वो पंचर हो गई है। तो पंचर अंदर बैठे इन्हीं से पूछ लेते हैं, भैया बस में बैठे बस तो पंचर है? पंचर है तो उसमें बैठेगी, जब जाएगी तब जाएगी। परिवहन निगम की पंचर हो गई बस? अब बस पंचर है जब दूसरी आएगी यही जाएगी। परिवहन निगम की पंचर हो गई बस, अब किससे जाएंगे? बहुत बुरा हाल है यहाँ पर पैसेंजर। पंचर बस से जाएंगे? पंचर नहीं है, बहुत बुरा हाल है इसमें।
अरे हम लोग पंचर हुए उसका क्या, ये तो बस ही है। क्या बोले? तीन दिन से हम सब पंचर हो गए उसका क्या? भैया बस तो पंचर हो गई, बस सरकारी पंचर है तो बस तो पंचर होगी। अच्छा भैया आप और का क्या कहते छोटू, क्या कहते हैं? भैया मुझे तीन घंटा हो गया गाड़ी नहीं मिल रही, मुझे गाड़ी मिल रही चल रही, पंचर हो गई। पंचर हो गई अब क्या होता है, कहीं से जाएंगे? पंचर है क्या गाड़ी? हाँ ड्राइवर कह रहे हैं पीछे वाला पहिया पंचर हो गया भैया। अरे भैया कहाँ करें, ये रहा भी कहाँ करब, क्या करोगे फिर? ये रहा भैया कहीं लेट जी पे, ये यहाँ पर जितने लोग बैठने चाहिए तो यहाँ तो 80-70 लोग गाड़ी में बैठे तो यार जब स्पेस नहीं तो कहाँ बैठे, गाड़ी नहीं अवेलेबल है। यहाँ देख लीजिए आप खुद कितने लोग हैं। क्या कह रहे भैया? बहुत लोग खड़े भी हैं, अब वो क्या करें? कितने लोग हैं? कम से कम 70-80 लोग ऊपर होंगे, अब बताओ वो क्या करें, खड़े जा रहे। इससे पहले वाली बसें आपने नहीं देखी हैं, उसमें देखते हैं आप, उसमें तो ये समझ लो गिनती नहीं है, कोई इधर खड़ा कोई उधर खड़ा, एक सीट पे तीन तीन बैठे। ये पंचर हो गई अब तो नहीं जा पाएंगे आप भैया, क्या करें पंचर हो गई है भैया, परिवहन निगम की पंचर हो गई बस। पंचर हो गई बिल्कुल, देखो 150 सवारी उसमें भरी हुई है, पंचर हो गई। 5 घंटे से हम यहाँ खड़े हुए हैं, 3-4 गाड़ियाँ सब भर के जा रही, बाकी सब पंचर हो गई। परिवहन निगम की पोल खुल गई? हाँ पोल खुल गई, बोल रहे हैं 2 घंटे से 5 बसें आ रही। यहाँ पे देखिए कितने विद्यार्थी खड़े हुए हैं, कोई टाइम टेबल से कोई कुछ नहीं, काम हो रहा, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। भैया क्या कहेंगे पीछे वाले, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अरे कानपुर की कोई बस नहीं आ रही है, बोल रहे 5 बसें आ रही है। ये बस तो कर तो पंचर हो गई, अब दूसरी मंगाई जाए। ऊपर बैठ के जाएंगे आपको, बस पंचर हुई इसके पीछे का मुख्य रीजन क्या हो सकता है भैया? ज्यादा सवारियों का रीजन है, ज्यादा सवारियों का रीजन है, ज्यादा सवारियां। भैया क्या बस ओवरलोड है क्या? ओवरलोड बहुत ज्यादा, आप देख ही सकते हो, एक बस पे 50 की जगह पे 100-150 लोग जा रहे हैं। देख लो महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, पूरी गाड़ी बहुत ज्यादा भरी चल रही है, भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं, भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं इसमें तो। 50 की जगह पे 100-100 लोग, 150 लोग एक बस में जा रहे हैं। फरुखाबाद की एक भी बस नहीं आई अभी तक। काउंट करिए देखिए कितने लोग हैं, काउंट करिए, काउंट करिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार कितने लोग हैं। हम अंदर जाने की पूरी कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर चालक का तो ये कहना है कि भैया बस पंचर हो गई, उतर गए भैया, अंदर देख भी लेते हैं तो काफी लोग बैठे हैं अंदर। भैया परिवहन निगम की तो पंचर हो गई बस, पंचर क्या ही बताया जाए, भीड़ इतनी ज्यादा है, बहुत बुरी दशा है, बहुत जो देखे दबदबा बिगड़ी जा रही, देख रहे कोई कह रहा कानपुर जे भी बता दो पंचर हुई। क्या कहेंगे टोपी वाले भैया, तीन दिन से भूखे फिर रहे, जा रहा है भैया इटावा, इटावा, लेकिन वे कह रहा है कि हम फतेहपुर तक जिए, अब जाने कानपुर, अब बताओ कहाँ जाने, फतेहपुर के लिए बैठे तो वो भी तो पंचर हो गया। आओ कह रहे पंचर हो गया ही, बताओ यही नहीं तो क्या बेटा, जगह नहीं तो पंचर ही हुई है। हां इसी में पंचर, फिर अंदर क्या कर रहे हो आप लोग? योगी सरकार सबसे खराब, अरे ना ज्यादा नहीं, योगी सरकार सबसे बढ़िया, ज्यादा गलत बात नहीं, योगी क्या करें, यही लगता है कि मरवा दे, सबसे बढ़िया शासन गलत है। ये बताइए योगी, योगी सर, योगी तो अच्छी वर्क किया ना? नहीं नहीं, एक योगी जी ने तो गुड वर्क दिखाया अपना, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को फ्री सुविधा दी, पूरा वो तो ऊपर से प्रशासनिक जितना भी सुविधा मिल रही है, लेकिन यहाँ के जो नीचे वाले अधिकारी नहीं कर रहे कछु। भैया ये कहते हो रहे पिंचर है, इन्हीं लोगों की तो गलती है पूरी, तो क्या होगा? सरकार तो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये लोग नीचे वाले नहीं काम करते अच्छा सा, ये बस में धक्का मारे, अरे उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कड़ी कार्रवाई हो यार, कजू कार्रवाई। अभी आपने किसी से सवाल पूछे थे, ठीक है, आंसर दिए थे नीचे, कोई भी साहब हो या सर हो, कोई भी हो, अब वो कर दी गई है या हो गई है वो तो सब जानते हैं ना, कि वो पंचर थी या की गई है। तब से ड्राइवर थे कंडक्टर थे उधर, बहुत देर तक खड़े रहे इधर उधर कुछ करते रहे, अब पता नहीं वो कर दी गई है कि हो गई है, अब क्या हम बताएं, सब नीचे देख लो जाकर, अरे देख लो पसीना बाहर, खाने कुछ मिला नहीं, कहाँ से जाए बताओ, पंचर गाड़ी हो गई है, अब क्या प्रशासन बुरा गलती कर रहा है, क्या किया जाए? बहने भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार खड़ी है, कहीं ना सही हमारी जो बहने हैं वो भी जाने के लिए उम्मीद से खड़ी थी, कहीं ना कहीं से सबका मनोबल, यात्रियों का मनोबल डाउन हुआ, काफी देर से बैठे थे, अब वो बस पंचर हो चुकी है, तो लगातार अब देखते हैं दूसरे, अब देखना होगा कि दूसरी गाड़ी का कैसे मैनेजमेंट सही किया जाएगा, कैसे दूसरी गाड़ी मंगाई जाएगी, जो लोग ये अंदर बैठे हैं ये कैसे जाएंगे। भैया हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या टायर देख लीजिए, आप दब भी रहा है, धीरे धीरे दब भी रहा है, तो ड्राइवर ने तो कहा है, ड्राइवर ने तो कहा है कि बस पंचर हो गई, हालांकि अब ड्राइवर ने कहा है इसकी पुष्टि की है तो हो सकता है बस ही पंचर होगी। 50-60 बंदे होंगे आराम से।
तो जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं, सभी लोगों का कहना है भैया कुछ खराब है, हालत बहुत ख़राब है, बसों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं यारम साहब। ये ड्यूटी इनकी है, बच्चे परेशान, उनके साथ उनके जो अतिमाता परेशान, बुजुर्ग लोग गिर पड़ रहे हैं और बसों की व्यवस्था नहीं पा रही है, सरकार चाहिए तत्काल व्यवस्था करे। बहन है, क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी जी बताइए कहाँ जा रही है? मुझे तो रेवरेली जाना है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ना बैठने की जगह है, बस तो बहुत दूर की बात है। कितनी देर से आप यहाँ पर? एक घंटे हो चुके हैं। क्या आश्वासन किसी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर जो रोडवेज के? कोई नहीं सर, जा रहे थे तो उनसे बोला तो वो तो इग्नोर कर गई चले गए। अच्छा, क्या एक मैसेज देना चाहती है ऐसी व्यवस्थाओं के लिए? व्यवस्था के लिए मैसेज तो मैं बहुत देना चाहूँगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के लिए व्यवस्था की है वो बिल्कुल ही मतलब सराहनीय है ही नहीं है। ऐसी व्यवस्था से हम लोग कभी एग्री हो ही नहीं सकते, कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। गवर्नमेंट अगर हम परीक्षार्थियों को व्यवस्था नहीं दे सकती है तो वो बाकी के लोगों को कब देगी? व्यवस्था दी तो गई है, फ्री। कैसी व्यवस्था? फ्री में। यही व्यवस्था है कि परीक्षार्थी पहुंच नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, बस में बैठ नहीं पा रहे हैं, यही व्यवस्था है आपकी? ऐसी व्यवस्था देंगे कि लालगंज के रेवरेली रोड में सिर्फ मात्र एक बस खड़ी है लखनऊ में, ये है व्यवस्था आपकी? ऐसी व्यवस्था को आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने व्यवस्था दी है फ्री? ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट ने तो खुद ही खा लिया पहले बच्चों से, तो व्यवस्था तो ये कुछ नहीं है। कैसे, क्या खा लिया? खाया क्यों नहीं खाया? गवर्नमेंट ने हम लोगों को फॉर्म भरवाया, पेपर दिया, हम लोगों ने पेपर लीक हो गए हैं। कैसी कितनी कितनी बच्चों ने मेहनत की है, उस पेपर के लीक होने की वजह से ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए, कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, ये है गवर्नमेंट की व्यवस्था? आप गवर्नमेंट की व्यवस्था की बात कर रहे हैं? प्लीज प्लीज एक मिनट सर, कोई बात नहीं करनी है सर, प्लीज मुझे काम करने दीजिए। जी सर प्लीज एक मिनट काम करने दीजिए सर, व्यवस्थाओं को लेकर सर एक छोटा सा सवाल। नहीं बात, एक छोटा सा सवाल, सर प्लीज सर एक सवाल सर, प्लीज प्लीज सर 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 एक सवाल सर, छोटा सा एक सवाल सर, सर व्यवस्था सर सिर्फ व्यवस्थाओं को लेकर सर एक सवाल, तमाम लोग घेरे सर प्लीज सर प्लीज प्लीज सर एक सवाल, कोई बात नहीं करनी सर प्लीज, छोटा सा प्लीज, कोई बात नहीं सर, व्यवस्था मेडिकल को लेकर जो सर प्लीज काम करिए। तो जिस तरीके से आपने देखा, लगातार हमारे साथ यहाँ चार बाग बस स्टेशन पर क्षेत्रीय प्रबंधक आर के त्रिपाठी मौजूद हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मीडिया पर्सन से किस तरीके से वो बिहेवियर क्या उनका है, बात करने से जिस तरीके से कतरा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको पता है कि बड़ी लापरवाही सामने आ चुकी है। परिवहन निगम के लखनऊ क्षेत्र की पोल खुल चुकी है। मेडिकल की सुविधाएँ अगर हम बात करें तो शून्य, अगर हम यात्रियों की बात करें तो वो शून्य, जो परीक्षार्थी पेपर देने आए वो बात शून्य। आखिर ऐसा क्यों, क्यों क्षेत्रीय प्रबंधक अपने दायित्वों से भागते हुए नजर आए? क्या मीडिया पर्सन से कभी जिंदगी में बात नहीं करेंगे? अगर इनसे बात कर ली जाए, सीयूजी नंबर पर तत्काल लगा भी दिया जाता है तो क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा कोई फोन नहीं उठाया जाता है। आखिर लगातार ये लापरवाही क्या दर्शाती है? पूरा दिन गुजरने के बाद आज समय लगभग आपको बता दें कि 8:30 बजे क्षेत्रीय प्रबंधक यहाँ पर आए हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, पूरे दिन कहाँ थे? आखिर ये यात्री ये परीक्षार्थी कैसे अपने घर पहुँचेंगे? एक छोटा सा सवाल था, जैसा कि आपने देखा लगातार भैया क्षेत्रीय प्रबंधक जी तो भाग गए बचा के। या हम घर वाले नहीं पहुंच पा रहे, यहीं लेटे रहेंगे, क्या करेंगे? क्षेत्रीय प्रबंधक जी तो भागे बचा के अपनी। सर जी वो भागेंगे ही, क्योंकि उन लोग के पास साधन नहीं है। हम लोग यहाँ मर रहे हैं, गर्मी, पानी, खाना पीना कुछ नहीं है, कोई मतलब। और यहाँ से लखनऊ से बांदा जाने के लिए बस नहीं है, हम लोग कम से कम 4 घंटे से परेशान है। क्या कहेंगे ऐसे क्षेत्रीय प्रबंधक के लिए? ऐसे क्षेत्रीय प्रबंधक के लिए तो या तो हटा दिया जाए, या तो कुछ नया लाया जाए, या तो फिर नई बसों की व्यवस्था की जाए। भैया क्या कहेंगे आप बताइए, भैया क्या कहेंगे? सर पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, क्या करेंगे? क्षेत्रीय प्रबंधक अभी आए, आपने भी देखा किस तरीके से भाग रहे थे, मीडिया से कोई जवाब नहीं देना पसंद करते सर, क्या? एक जवाब अगर दे देते, एक यही बोल देते कि सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या ये गलत था? सर वो दिन भी गायब थे तो उनके पास जवाब ही नहीं है, क्या कहेंगे? कुछ उनके पास शब्द ही नहीं है। सवाल और भी हैं, कहीं ना कहीं हम युवाओं से पूरी आपको फिर से दिखाना चाहेंगे आपको कि क्षेत्रीय प्रबंधक जी आखिर खुद को बचाते हुए कहां गए। कहीं ना कहीं से ये बड़ी लापरवाही लखनऊ क्षेत्र का जो है मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें चाहे प्रशासन रोडवेज की बात करें, कि बिल्कुल पोल खुल चुकी है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो क्षेत्रीय प्रबंधक क्यों अपने दायित्वों से भाग रहे हैं। भाई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मारा मारी अफरा तफरी का माहौल है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि क्षेत्रीय प्रबंधक की वो वादे, वो मैनेजमेंट यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। लगातार सैकड़ों की संख्या में इन युवाओं को एक क्षेत्रीय प्रबंधक जो होना चाहिए था, अपने दायित्वों का निर्वहन किस तरीके से किया जाना चाहिए था, वहीं पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैदरगढ़ डिपो भी कहीं ना कहीं से नदारद और नाकाम नजर आए। युवाओं ने अपना दर्द बताया, उस दर्द में आखिर आपने देखा कि लगातार ये बड़ी लापरवाही चलती रही।
तो जिस तरीके से आपने देखा लगातार चार बाग बस स्टेशन पर क्या वो सुविधाएं थी जो दूर दराज से आने वाले परीक्षार्थी थे वो घंटों तक बसेस का इंतजार करते रहे। अगर बात हम करें सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरी हैदरगढ़ डिपो की तो समस्त तरीके की जो व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं से नजर आई, बड़ी लापरवाहियां नजर आई। अगर हम बात करें मेडिकल सुविधाओं की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो ना एम्बुलेंस थी, ना स्ट्रेचर थे, ना वो व्हीलचेयर नजर आए। तो बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, क्योंकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया दस्तक देता है तो जिम्मेदारों की नींद उड़ जाती है। वैसे भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के हमारे लखनऊ ब्यूरो शादाब मूसा भी इस रिपोर्ट पर बने रहेंगे जब तक 119 भर्ती का जवाब सामने नहीं आ जाता। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरी हैदरगढ़ हमारे साथ मौजूद है। तीन चार गाड़ियां सब भर के जा रहे, बाकी सब पंचर हो गए।